नमस्कार, मैं मीरा। उपज प्रस्तुत पर्दे के पीछे के कलाकार की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम मिले थे अजहर भाई से, अकबर मियां एंड ब्रदर्स के जो पीढ़ी है आज की। तो आज हम आए हैं अकबर मियां एंड ब्रदर्स के शॉप में। आइए मिलते हैं उन्हीं के जनरेशन के उनके भाई नईम भाई से। नईम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम नईम है, ये अकबर मियां का ग्रैंडसन हूँ। अकबर मियां हमारे ग्रैंडफादर है जो 1951 में गुजर गए जी। 51 के बाद 91 तक हमारे फादर काम किए। 91 के बाद अब हम भाइयों काम कर रहे हैं, भाई लोग काम कर रहे हैं। ये काम हमारे ग्रैंडफादर शुरू करे थे, अभी तक तो काम चल रहा है ये उसी नाम से। और ये नाम क्वालिटी की वजह से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तकनीकी सवाल हम शुरू करेंगे जी। नहीं भाई, आप हमें बताइए, तबला बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसमें से सबसे जरूरी रॉ मटेरियल है तबले की लकड़ी। तो कितने प्रकार की लकड़ी आती है और उसमें बेस्ट लकड़ी कौन सी आपको लगती है तबला बनाने के लिए? लकड़ी तो वैसे जो है ना, शीशम की इस्तेमाल होती है, बीजा की इस्तेमाल होती है, अभी रेड शीशम आ रहा है वो भी लकड़ी इस्तेमाल होती है। ज्यादातर आज जो है ना शीशम का इस्तेमाल हो रहा है जी, और आम का भी इस्तेमाल होता है, मगर वो आम का जो है ना ज्यादा सर्विस नहीं रहती। ये शीशम की लकड़ी आपको लॉन्ग लाइफ सर्विस रहती है इसकी। साउंड को अगर सोचे हम लोग, साउंड में भी बेटर रहता है। तो साउंड में और मजबूती में शीशम आपको बेस्ट लगता जी है। जी, क्या बात है। बात करते हैं तबले के दूसरे रॉ मटेरियल की, तबले की जो स्किन आती है उसके बारे में जी। तबले की स्किन आती है ये जो है ना, अभी तो पहले हम खुद तैयार करते थे, अभी जो है ना जगह नहीं होने की वजह से हम रेडीमेड खाल लेते हैं, और वो जो है ना आता है हमको सोलापुर से जी। सोलापुर से आता है, उसके बाद में भी उसमें से देख के काम शुरू करना पड़ता है। उसके पीछे मेहनत बहुत है। तबला जितने भी हिंदुस्तान में बनाने वाले हैं सब वही चमड़ा इस्तेमाल करते हैं, मगर चमड़े को जो फिनिशिंग करना है, जो उसमें काम है, वो हर किसी को नहीं मालूम जी। क्योंकि साउंड में जो डिफरेंस है वो उसकी फिनिशिंग की वजह से, वो साउंड में डिफरेंस है जी। अब ये देखिए आप, क्या बात, ये जो काम है ये हमारे को हमारे बड़े शिकायत से है। ये इतनी मेहनत करने वाले आज के जनरेशन में कोई भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा हाथ का काम है। इसमें सिर्फ एक ये लकड़ी मशीन पे कटती है, बाकी ये जो रग्गा है वो खुला बना होता है। ये सारा मटेरियल यहाँ पे जो है ना महाराष्ट्र से आता है, यूपी से आता है, और ये पूरा काम हाथ का है। अच्छा, आपने कहा पहले स्किन आपके यहाँ पे बनाते थे जी, मतलब जी। स्किन आप लोग बनाते थे क्या? हाँ, कैसे? कच्चा चमड़ा लेके आके उसकी फिनिशिंग हम लोग खुद करते थे। कच्चा चमड़ा लेकर आके जी, उसका फिनिशिंग जानवर पे से जो उतरता है चमड़ा वो ला के हम लोग खुद जो है ना उसको तैयार करते थे। अच्छा, अब जो है ना तैयार आ रहा है। अच्छा, अभी भी हम कर सकते थे मगर हमारे पास जगह की कमी की वजह से जी जी। ये भी मटेरियल जो है, ये भी जो है ना ये हाथ का ही बना हुआ है। अच्छा, ये हैंडमेड डग्गा है? ये हैंडमेड डग्गा है। अच्छा, ये कहाँ से? ये महाराष्ट्र बॉम्बे से आता है। वड़के जो बनाते हैं जी जी जी, ये वड़के का हमारे पास एक ही ब्रांड इस्तेमाल होता है जो वड़के का, और वड़के का भी जो है वो मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुराना है। हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी आज जो है ना वड़के की, सबसे पहली और एकमात्र कंपनी है जो हैंडमेड डग्गे बनाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा बात करेंगे तबले की शाही के ऊपर जी, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? ये शाही आती है, ये हमको जो है ना गुजरात से आती है शाही जी, और तकरीबन जगह पे गुजरात से जाती है शाही है। पहले शाही भी हमारे वालिद साहब खुद बनाते थे शाही भी। अच्छा, अब उसके पीछे भी मेहनत बहुत है। पहले के इतने जो है ना मेहनत करने वाले लोग है नहीं, अभी सब हर चीज रेडीमेड आता है। ये गुजरात से आता है, उसमें जो है ना उसको वैसे दूसरी जगह से भी आता है, मगर गुजरात का जो है ना थोड़ा सॉफ्ट रहता है जी, जी। वो सॉफ्ट नहीं रहा तो इसके अंदर शाही जो है ना खराबी पैदा करता है, शाही में वाइब्रेशन साउंड आता है। पहले जो रॉ मटेरियल आता था और अभी जो रॉ मटेरियल आता है, दोनों की क्वालिटी में आपको कुछ अंतर लगता है? हाँ, क्वालिटी में जो है ना थोड़ा डिफरेंस तो है। डिफरेंस है, पहले का जो मटेरियल आता था सब वो सही तरीके से काम करने वाले लोग थे, अब जो है ना कमर्शियल पे हो गया है तो उसके वजह से प्रोडक्शन में जो है ना क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मगर उसको हम लोग यहाँ पे आने के बाद हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो जो कुछ भी कमी है उसको हम खत्म करके काम करते हैं।
नहीं भाई, कौन से स्वर के तबले आपके पास ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर लोकल में? यहाँ लोकल में बोल के ना, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी तबला बनता है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है सी शार्प, काली एक का तबला ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। हैदराबाद में भी काली एक सफ़ेद दो, काली एक जो हर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में उसको बजा सकते हैं, सितार के साथ, संतूर के साथ में, फ्लूट के साथ में थोड़ा ऊँचा तबला चलता है। लेडीज क्लासिकल वोकल के लिए जो है ना थोड़ा नीचे सुर का तबला चलता है, मगर मैक्सिमम काली एक सफेद दो का तबला इस्तेमाल। काली एक सफेद दो के तबले जी। किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया है? तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हैदराबाद में, इसका शेख दाऊद से उनके लड़के शब्बीर निसार है, और भी कई लोग है, गजेंद्र शिवालकर बोल के एक है, वो भी एक टीचर है, उनके तबले भी, और आनंद चटर्जी के भी बना के दिए हैं कलकत्ता के। हमारे वालिद साहब अल्लाह रखा साहब के लिए भी काम किए हैं जी। वैसे दूर दूर से लोग आते हैं, और आज के पीरियड में तबले का क्लासिकल संगीत हिंदुस्तान में उतना नहीं है जितना आजकल बाहर चलेगा है। बिल्कुल, यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है ना वेस्टर्न म्यूजिक बहुत ज्यादा आ गया है जी जी जी, वो वजह से थोड़ा काम भी कम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हमारे ये तबला बनाने की भी जो कला है वो कोई लुप्त ना हो, और कल को अगर ये खत्म हो गई तो कोई बाहर से आके हमें सिखाएगा तबला कैसे बनाना है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि तबला बनाने की जो कला है उस कला को हम बरकरार रखें और लोगों तक पहुंचाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर आज का न्यू जनरेशन में जो है ना इतनी मेहनत करने वाले कोई भी नहीं न्यू जनरेशन में जी, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत होने के बाद उतनी आमदनी है नहीं। बिल्कुल, वो वजह से जो है ना न्यू जनरेशन जो है ना आजकल पढ़ाई पढ़ के या कुछ बिजनेस करने के लिए एग्री है लोग, रेडीमेड लेके आके शोरूम खोल के जो है ना रख के वो खाली लेके आए और भेज दिए उसमें कमीशन पे जी। मगर ये प्रोडक्शन करने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है, सितार हो, तबला हो, हारमोनियम हो, ये लोग के कारीगर जो है ना कम होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, ये तबला बनाने वाले जितने भी लोग हैं या जो भी वाद्य बनाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या ऐसी बात होनी चाहिए सरकार की ओर से या बाकी कलाकारों की ओर से जिसकी वजह से ये कला बरकरार रहे? कलाकारों का जो है ना बनाने वालों को सपोर्ट रहा तो ये लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट से कुछ हमको कुछ कॉपरेट हो या किसी भी तरीके से। अब ये कलाकार लोग जितने भी हैं यहाँ तबला फटे वक्त में बनाने वाले याद आते हैं, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद कहीं कोई किसी का बड़ा प्रोग्राम भी रहा तो हमको कोई इन्विटेशन नहीं आता, क्योंकि जब तक तबला नहीं है स्टेज पे उन्होंने जीरो है। बिल्कुल, हालांकि संगीत में हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट तबला है। आप सिर्फ तबला भी जो है ना कोई आर्टिस्ट सोलो बजा के जा सकता है, मगर कोई गाने गाने वाला बगैर तबले के, जो बगैर ताल के, कोई सितार भी नहीं है, गाने भी नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मगर म्यूजिशियन में जो है ना तबले वालों को उतना रिस्पॉन्स नहीं है, और बनाने वाले तबले बनाने वालों में बनाने वालों को उतना रिस्पॉन्स नहीं है, जबकि मेन आर्टिस्ट जो है ना तबला बजाने वाला ही है, और मेन इंस्ट्रूमेंट तबला है। ये एक मरे हुए जानवर का चमड़ा है ये जी, जिसमें कुछ भी जान नहीं है, उसके अंदर ये भी एक आर्ट है कि इसके अंदर ये जान डाल के ये आवाज़ निकाल रहे हैं। बिल्कुल, हम इसके गले, चमड़े के गले में हम आवाज दे रहे हैं तो आर्टिस्ट लोग इनसे बात करते हैं, सही है। उसके बाद बनाने वालों को जो है ना कुछ भी बेनिफिट नहीं, और ये एक बार बनाते हैं 50 प्रोग्राम बजाते हैं, मगर एक बार की कीमत देने के लिए भी ये लोग सोचते हैं, और ये एक तबला तैयार होने में 22-25 घंटे हमारी इसके ऊपर मेहनत रहती है। बिल्कुल, ये सिर्फ स्याही का काम 8 घंटे का है, 7-8 घंटे सिर्फ ये स्याही लगाने के लिए होता है। हमारे माध्यम से कलाकारों को और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ बनाने वाले सिर्फ तबले की बात नहीं करूँ मैं, हारमोनियम हो, सितार हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो हाथ से बनने वाले हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट जितना भी है मैक्सिमम 90% हाथ का ही काम है। हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी है पूरा 90% हैंडवर्क है। बिल्कुल, उसमें वो वर्क करने वालों को जो है ना कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें जो है ना आर्टिस्ट लोग को बहुत बेनिफिट है, और आर्टिस्ट लोग जो कुछ भी प्रोग्राम होता है उनके एनुअल प्रोग्राम हो या ये जो कुछ भी प्रोग्राम होता है
उसमें अगर से बनाने वालों को बुला के वहाँ पे हॉल में अगर से स्टेज पे कुछ उनको सम्मान करे या गवर्नमेंट को जो है ना कुछ ट्रीटमेंट करे तो हमारा भी कुछ उसमें भला हो सकता। लोग सिर्फ आर्टिस्ट स्टेज पे तबला रह तक बजाते हैं, उसके बाद में बनाने वालों को भूल जाते हैं। वो लोग का सपोर्ट, आर्टिस्ट का सपोर्ट अगर से बनाने वालों को मिला तो जो है ना ये लोग भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ये तबले का ही बोल के नहीं है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का ले लीजिए। हारमोनियम वालों का भी कभी जो है ना कुछ वो नहीं आया। फ्लूट बनाने वाले उनकी भी बहुत मेहनत है, सितार बनाने वालों की भी मेहनत है। ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा मेहनत का ही काम है और पूरा हाथ का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हो सकता है कि कुछ समय लगेगा पर ये बदलाव आएगा जरूर। हम वही कोशिश आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कोशिश सक्सेस होगी। जी जी नहीं जी, ये बहुत सारी बातें हुई हमारी। अभी हम आपके जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य है, एक एक करके उसका साउंड सुनेंगे। कौन से लकड़ी में आपने तबला बनाया है, कौन से सुर के लिए बनाया है, ये बताकर उसका साउंड बताइए। ये देखिए, ये रेड शीशम लकड़ी है ये जी, और ये अभी सफेद दो में है। उसका साइज भी बता दीजिए। इसका साइज है 5.5। ये डी में है, ये ब्लैक शीशम में है, ये सी में है, क्या बात, ये भी ब्लैक शीशम में है, ये देखिए बी में है, ये भी रेड शीशम में है, ई में है, ये सफेद चीज। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल में, क्लासिकल में यूज नहीं होता ये स्केल जी, लाइट म्यूजिक में इस्तेमाल होता। कौन से स्केल के लिए बनाया? ये एफ शार्प पे है, एफ शार्प, एफ शार्प 4.5। और लकड़ी कौन सी है? ये ब्लैक शीशम है, ये जी, ये भी ब्लैक शीशम है, ये 7 इंच साइज है। और इसका सुर देखो ना, अभी डी में है, सफेद दो में। अच्छा, ये भी सफेद दो में है और ये भी सफेद दो में है। ये नीचे सुर का है, ये ऊंचे सुर का है। ये पखावज के लिए, या हैदराबाद में ज्यादातर लोग पखावज के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हैदराबाद में पखावज बजाने वाले है नहीं। अच्छा, पखावज की रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ी तो वो ये तबला इस्तेमाल करते हैं। इस तबले के लिए कोई नाम है स्पेसिफिक? नहीं, बेस तबला बोलते हैं, बेस तबला, बेस तबला बोलते हैं। और ये ऊपर का सुर का, इसको टीप का बोलते हैं, इसको बेस का बोलते हैं। ये है देखिए डग्गा है, ये हैंडमेड डग्गा है। ये मेटल क्या है इसका? ये ब्रास में है, ब्रास में है। ये ब्रास में है, इसमें कॉपर में भी आता है। अच्छा, इसमें कॉपर में भी आता है। हमारे पास जो ज्यादा जो सेल होने वाला है, जो यूज होने वाला है कस्टमर्स के पास में, वो ब्रास का और कॉपर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें स्टील का भी आता है जी। ये स्टील का है, SS का। ये स्टूडेंट्स के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। उसका साउंड थोड़ा दिखाइए। साउंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है। अच्छा, स्टील का थोड़ा लाइट वेट रहता है। जो स्टूडेंट बच्चे जो रहते हैं, बेसिक बेस जो सीखने वाले, उनके लिए स्टील का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो आर्टिस्ट लोग हैं वो इस पे नहीं बजा सकते, इसका वेट कम रहता है, ये हिलता है बजाने में। अच्छा, इसकी वादी अलग अलग है, वादी बारे में बताइए। देखिए, वादी जो है ना, पहले पूरा चमड़े का इस्तेमाल होता था जी। अब चमड़े का वादी बराबर आ रहा नहीं है, इसको सही से वो पहले जो मटेरियल मिलता था अभी नहीं मिल रहा है, वो वजह से ये नेलॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और वो चमड़े की वादी को जो है ना कुछ जगह पे चूहे भी काट देते, और उसके ऊपर मौसम का भी असर होता है। बारिश में वो थोड़ा लूज हो जाता है, और गर्मी में जो है ना वो थोड़ा टाइट हो जाता है। इसकी वजह से अभी आजकल ये चल रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, इससे सुर कायम रहता है। अच्छा, इसके ऊपर
ये कोई वेदर इफेक्ट नहीं है ये नैलॉन के ये वादी पे जी, वेदर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, तो ये मौसम सर्द बरसात हो या गर्मी हो इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कॉपर का है, वैसे दोनों सेम ही दिखते हैं आपको जी, और आवाज में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मेटल का ही फर्क। कितने किलो का है ये? 2.5-3 किलो तक रहता है। अच्छा, और ये वाला जो बताया आपको ये 3.5 किलो तक रहता है ब्रास का। ब्रास का जी, ब्रास का, और इसमें कॉपर का भी आता है जी, ये 3.5 किलो। और लोग जो है ना आजकल बोलते हैं 4 किलो का 5 किलो का डग्गा, वो बनाना भी बेकार है और लेना भी गलत है। वो 3 किलो स्टैंडर्ड सही है। जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े जो आर्टिस्ट है वो लोग का भी जो रेगुलर यूज करने का इंस्ट्रूमेंट है वो 3.5 किलो। अच्छा, उससे ज्यादा का वजन अगर से लेंगे तो आपको सिर्फ लेकर ट्रैवलिंग करने में आपको दुश्वारी होगी, आवाज में बजाने में आपको कुछ भी फर्क नहीं है उसमें। इसका मतलब 3 किलो का काफी तीन, है, तीन से 3.5 किलो, 3 से 3.5 किलो। अच्छा, 3 से 3.5 किलो एक स्टैंडर्ड वेट है जो आज के हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं सब वही इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं भाई, आपको एक सवाल पूछना है मुझे जी। जो है तबले के स्किन के ऊपर, अभी हम देखते हैं कि सिंथेटिक स्किन का भी जिक्र हो रहा है आजकल, आपको क्या लगता है कि ये जो पारंपरिक तरीके से स्किन, बकरे का स्किन यूज करके तबला बन रहा है, वाद्य बन रहा है, इसे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, इसे कोई दूसरा और सारा होना चाहिए कि जो है वही अच्छा है? ये सवाल मैं आपको इसलिए भी पूछ रही हूँ क्यों आपकी जो दोनों पुश्तियाँ हैं पिछली, वो ये तबला मेकिंग में है, तो उसके लिए मैं आपको ये सवाल पूछ रही हूँ कि आजकल हम लोग ये जो सिंथेटिक स्किन की जिक्र बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, आप जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। सिंथेटिक में जो है ना तबला बन ही नहीं सकता जी, आवाज आ जाएंगी मगर वो जो ये चमड़े में जो मिठास है जी, वो मेलोडी है जो बजाने वालों के हाथ पे जो चमड़े में जो ग्रिप मिलती वो सिंथेटिक में नहीं मिलती जी। तबला जब बोल बनता है तो चमड़े में ही बनता है, सिंथेटिक में ये टाइट करने का है, ये सिंथेटिक में चलता है, ये तस्मा जो वाद्य जो है वो सिंथेटिक में सिर्फ वो टाइट करने के लिए जी। बजने के लिए तो ये चमड़े ही है, चमड़े में जितना वाइब्रेशन आता है आपको सिंथेटिक में उतना वाइब्रेशन नहीं आता। नेचुरल जो है उसमें जो बात आवाज की जो मिठास है वो आर्टिफिशियल में नहीं। बिल्कुल समझे आप। अब जैसा देखिए कि मेलोडी की बात है, जैसा कि हारमोनियम से कोई संगत कर रहे हैं उसकी मेलोडी अलग रहती है, और कीबोर्ड के साथ कोई संगत कर रहे हैं तो कीबोर्ड की में उतना मिठास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तबले संगीत में अगर जो कुछ करना होता तो जिस वक्त संगीत शुरू हुआ उसी वक्त लोग को कोशिश करके कुछ करते थे जी जी जी। जब तबले पखावत से तबला बनाए हैं तो इसमें और भी कुछ कर सकते थे, उस जो कुछ बड़े करके गए हैं उसी की कॉपी भी कर लिए तो आज के लिए वो जाना वो भी काफी है। बिल्कुल। मगर उसमें मेन चीज है आवाज निकलना सही। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, चमड़ा तो हर कोई वही इस्तेमाल कर रहे हैं मगर ये आवाज में वो आवाज में फर्क है, वो तो उसकी वो टेक्निक है, उसके अंदर वो मेहनत है। समझ। आपके कहने का मतलब है जो परंपरागत जो चलते आ रहा है तबला बनाने के सिस्टम, उसे वैसे ही कायम रखना जरूरी है, उस स्किन के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसमें सेकंड ऑप्शन है, स्किन से हटके कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं तबले के लिए जी, जी, जी। जो हाथ से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट सेकंड ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप लकड़ी से बजा रहे हैं जैसा कि रोड पे बैंड बजता है, उसमें पहले भी उसमें भी पहले चमड़ा इस्तेमाल होता था, अब स्टिक प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, मगर वो लकड़ी से मारते हैं उसमें सुर वगैरह का कोई जरूरी नहीं है उसको। जी, जी, जी। जब संगीत बोलो तो उसमें सुर का जरूरी है, सुर जो है ना चमड़े में सुर आप उसको मिला सकते हो, जो आवाज की मिठास है सबसे मेन चीज। सिंथेटिक में आपको ग्रिप नहीं रहती है, जब तबला बजाते हैं तो हाथ को जो है ना ग्रिप होना जरूरी है, चमड़े में ही आती है वो ग्रिप। सिंथेटिक में रहा तो आपको ग्रिप स्लिप होते रहता है, फिंगर्स आपके स्लिप होते। ये भी सफेद दो में है, ये ब्लैक शीशम में लकड़ी है ये जी। ये जो है ना ये पखावज हैदराबाद में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये महाराष्ट्र में ज्यादा इस्तेमाल होता है जी। और ये पखावज बनाने वालों की भी बहुत मेहनत है,
फिर भी तबला बनाना थोड़ा आसान है, बखाओ जिससे ज्यादा मुश्किल है। ये 9 इंच है, 9 इंच ये 9 इंच है, ये पौने सात है। अच्छा, पौने सात, पौने सात ब्लैक शीशम का। हाँ, ब्लैक शीशम का। ये आवाज आ रहा है ना? यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी के लिए, आपके सोच विचार रखने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। पर्दे के पीछे के कलाकार, ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोगों को जो है ना तबला कैसा बनता है क्या है कुछ मालूम ही नहीं है। अब किसी का तबला फट भी गया तो वो लेके आके दे देते हैं, चले जाते हैं। पूरा इसके ऊपर जो मेहनत होती है बनाने वालों की, वो उसका किसी को भी इल्म नहीं है। सब कुछ उनके हाथ को तैयार होके आ जाता है। अब आप जो कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है कि पर्दे के पीछे, मतलब के पीछे मेहनत कितनी है, कितने लोग काम करते हैं। एक चमड़ा जहाँ पे सिर्फ ये चमड़े का जो फिनिशिंग होती है, कच्चे चमड़े की जो जनरल, उस जगह पे ऐसा हाल रहता है कि वहाँ से आप 500 मीटर की दूरी से आप चल नहीं सकते। बिल्कुल, वो कंडीशन रहती है। मगर सब कुछ होके आने के बाद में आपके हाथ पे सिर्फ पूरा तैयार होके आर्टिस्ट के हाथ में तबला आता है। तो वो लोग को भी चाहिए कि इसके पीछे किन किन का हाथ है, किस किस की मेहनत है, किस किस रास्ते से गुजर के यहाँ तक आता है, ये उनको भी चाहिए देखना। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं और हमारे इस प्रयास में आप भी जुट जाइएगा। हमारे जो पर्दे के पीछे के कलाकार हैं उन्हें मान सम्मान मिले और उसी के साथ साथ उनका रिकग्निशन उन्हें मिले, यही हम चाहते हैं। आप भी इस प्रयास में जुट जाइएगा। आज के इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी नए शहर में नए कलाकार के साथ, उनकी कला के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। मेरे पास एक 4-6 हारमोनियम अवेलेबल है, उसमें का मैं आपको एक एक करके दिखा। खरज नर में स्टार प्रीमियम करके जो है 4.5 सब क्वालिटी का उसका साउंड।